तेज गर्मी से जूझ रहे बुलंदशहर में 27 जून 2024 को आए तेज मानसून के चलते हुई मूसलाधार बारिश को देख जहां एक तरफ सभी जनपद वासियों के चेहरे मुस्कुरा उठे तो वहीं दूसरी तरफ गुलावठी नगर पालिका के स्वच्छ भारत अभियान को नालों ने मूसा चढ़ा दिया। आपको बता दें कि नगर में तेज बारिश रुक जाने के बाद न्यूज वॉल इंडिया की टीम जब नगर का हालचाल देखने ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो नगर के मुख्य बाजार सहित अन्य स्थानों में डट के जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। इससे ज्यादा कमाल तो तब हो जाता है जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम नगर के विद्युत विभाग यानी कि बड़े बिजली घर पर पहुंची तो विभाग के ज्यादातर कीचड़ कूड़ा करकट देखने को नजर आया। नगर में जल भराव और विद्युत विभाग में कीचड़ कूड़ा करकट का जमावड़ा जो कहीं ना कहीं देश की सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्वच्छ भारत अभियान मिशन को साफ तौर पर पलीता लगा रहा था, साथ ही नगर पालिका के सफाई कर्मियों की लापरवाही और नाकामी को भी दर्शा रहा था। नगर में इन गंभीर समस्याओं को लेकर जब नगर के एक स्थानीय निवासी प्रेम भूषण सहित विद्युत विभाग में तैनात विभागीय SDO राधा कृष्ण राम, जय शैलेंद्र और विमल कांत से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नगर का एक बड़ा यानी कि मुख्य नाला है जो कि ठीक विद्युत विभाग के सामने यानी दूसरी ओर है जो कि पूरी तरह से चौक है, उसकी सही से सफाई नहीं हुई जो कि कूड़ा करकट गंदगी से पूरी तरह से धसा हुआ है। नगर में तेज बारिश से हुए जल भराव से नाले की कीचड़ पानी और कूड़ा करकट विभाग में आ गया। नगर पालिका कर्मी बारिश होने से कुछ रोज पहले आए नाले की सफाई के नाम पर महज केवल खानापूर्ति करके चलते बने। ये समस्या बीते कुछ सालों से नगर में बनी हुई है जिसको लेकर विभाग द्वारा पूर्व में भी अनेकों बार नगर पालिका को लिखित शिकायत भी दी गई मगर इस समस्या का कोई भी उचित समाधान आज तक नहीं निकला। बता दें कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया की उपस्थिति में विद्युत विभाग के SDO द्वारा नाले की लिखित शिकायत को अपने कर्मी द्वारा पालिका को भेजने के लिए तैयार कराया गया। साथ ही बताया गया कि नाले के इस गंदे पानी और कीचड़ सहित कूड़ा करकट के चलते उत्पन्न होने वाले मच्छरों से मलेरिया सहित अन्य कोई भी भयावह बीमारी नगर की जनता को हो सकती है। अब कहीं ना कहीं एकदम अलर्ट होकर पालिका चेयरमैन सहित जिम्मेदार EO जनहित में ऐसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अपने कर्मियों से कड़ी मशक्कत जरूर कराते हुए नजर आएंगे, ऐसी हमें आशा है। बुलंदशहर में तेज गर्मी के चलते जनता बहुत परेशान थी लेकिन बुलंदशहर में 27 जून को आए मानसून से कहीं ना कहीं बुलंदशहर की जनता को राहत मिली। वही बात अगर गुलावठी की जनता की जाए तो तेज बारिश के चलते गुलावठी की सड़कों की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो अपने आप में बेहद अचंभित करने वाली थी। गुलावठी की तस्वीरें कुछ इस तरह थी कि गुलावठी जलमग्न हो चली थी लेकिन बात अगर जल भराव को लेकर की जाए तो गुलावठी की जनता को जल भराव से काफी हद तक जूझना पड़ा। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जैसे ही गुलावठी के विद्युत विभाग पर पहुंची तो वहां का मंजर कुछ और ही था। वहां पर कूड़ा करकट के साथ कीच और गंदगी बेहद देखने को मिली जिससे कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं पलीता लगता नजर आया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने जब वहाँ के उपस्थित अधिकारियों से पूछा कि आपके विद्युत विभाग में जल भराव क्यों है, कूड़ा करकट क्यों है, यहाँ पर कीच का जमावड़ा क्यों है, उन्होंने बताया कि गुलावठी का मेन नाला जो कि GT रोड पर सही बिजली घर के सामने पड़ता है वो कहीं ना कहीं चौक है, उसकी सफाई सही रूप से पालिका कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई। विद्युत विभाग के जय हो या SDO उन्होंने बताया कि पूर्व में भी पालिका को कई बार शिकायत की गई लेकिन शिकायत का समाधान होता नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं नाले की सफाई को लेकर खानापूर्ति करते नजर आते हैं। बात अगर नाले की जाए या नगर पालिका इस नाले के चौक इस नाले की सफाई को सही रूप से करा पाए ये देखना भी बाकी है क्या नगर पालिका EO और चेयरमैन स्वच्छ भारत अभियान 2.0 को लग रहा पलीता। जनपद बुलंदशहर में आज तेज मानसून देखने को मिला वहीं अगर नगर गुलावटी की बात की जाए तो तेज बारिश यहाँ भी देखने को मिली। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जैसे ही रोड से गुजर रही तो नगर का जो बड़ा बिजली घर है वो दिखाई दिया तो वहाँ पर पूरी तरह से
जलभराव देखने को मिला। इस वक्त मैं बिजली घर पर ही मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के SDO, जिनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो जलभराव है वो किस लिए है। यहाँ पर एक समस्या ये भी देखी जाएगी गई कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट भी देखने को मिला। SDO साहब, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। हम जब आपके ऑफिस आए तो यहाँ पर जलभराव देखा, कूड़ा करकट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला, कब से ये समस्या है? समस्या तो है, ये अभी पहले 4 दिन पहले ही बारिश हुई थी, तो हल्की सी बारिश हुई है, ये पूरा जो नाला है देखिए उधर नाला है, ये पूरा पानी भर जाता है और ये सारा पानी उधर ना जाके सारा पानी इधर ही बहेगा था। ये देखिए ये पूरा पानी भरा हुआ है, भरा हुआ था सुबह, सारा पानी भरा हुआ था, अंदर पूरा मलबा गया है, पूरा देखिए पूरा पूरा मलबा है, ये पूरा वहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो ये आज भी बारिश हुई सुबह और सेम वैसे ही पूरा पानी भर गया, और आम जनता को समझिए कि दोपहर तक आम जनता कार्यालय में नहीं आ पाई, काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके समाधान के लिए मैं नगर के अधिशासी अधिकारी हैं, उनको लेटर लिख रहा हूँ, संभवतः कार्रवाई हो तो जल्दी जल्दी कार्रवाई हो जाए, दिक्कतें ना आए आगे। नहीं, यहाँ पर कीचड़ देखने को मिली है, कूड़ा करकट देखने को बहुत कीचड़, तो ये पानी जो आया है कीचड़ का पानी जो है कहाँ से आया है? अरे नाला है बगल में जो चौक हो गया है, नाला में पानी एकदम उधर नहीं जा रहा, सारा पानी इधर ही बैठा। इस तरह की समस्या कब से देखने को नजर आ रही है? पिछले साल भी समस्या थी, पिछले साल भी ज़्यादा समस्या थी, तो कहाँ कहने पर हो गया था। अब कल आज बारिश हुई है, 2 दिन पहले और नहीं थी, ये समस्या है दो बार से हो रही है। हम कहेंगे उनको जो अधिकारी हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ बिजली घर के जो JEE है वो जुड़े हुए हैं, क्या कहना है? यहाँ पर गंदगी हमें देखने को मिली, कीचड़ देखने को मिली, तेज बारिश आ रही है, इस तरह से क्या देखते हैं? तो देखिए पहले से जल भराव का लगती होती है, तो जल भर गया पानी भर गया, लेकिन पानी के साथ जो बहकर कीचड़ अंदर तक आया है, अब वो कीचड़ सूखेगा, सूखने के बाद उसकी उभरेगी, उसके मुँह में जाएगी, उसकी आँखों में जाएगी, बोली के मतलब बिजली घर को हम साफ सुथरा रखाने के लिए इस तरीके से मान लीजिए पूरे शहर की गंदगी आकर इकट्ठा हो जाएगी, तो हमारे वर्कर की दिक्कत आ जाएगी, हमको कोई ना कोई नगर निगम का वर्कर भी चाहिए होगा ना साफ करने के लिए। अगर ये नाला ही चलता रहे या जैसे भी मतलब पानी निकलता रहे तो ये गंदगी ना, अब ये छोटे छोटे जो कपड़े हैं मान लीजिए पॉलीथिन हैं या ग्लास हैं वो भी अभी हमारे कंडक्टर से हमारे हमारी डॉक्टर बात है हमारे लिए काम जो है वो बढ़ जाए, कहिए कि गंदगी की चीज़ें साफ हो जाए, आगे समस्या ना आ रही है। बारिश रहेगी तो सारा कबार इकट्ठा होता है, हम भी उसका साफ करेंगे, हमारे वर्कर भी उसका साफ करेंगे। जैसे बिजली के कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, कहीं ना कहीं फॉल्ट या समस्या भी यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर कहीं सर, हमारे यहाँ तो बड़ा यार्ड है, हमारे यहाँ समस्या नहीं आती है, ओवर हेड भी काम करते हैं, तो इस तरीके से कल भराव यहाँ पर। हाँ, अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन की कोई वायर नहीं है जो जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की वायर अगर टूट जाए गिर जाए तो हाँ एक 100 किलोमीटर का खतरा बना रहता है। और नगर में विद्युत आपूर्ति को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं समस्या से देखिए रिलेट तो नहीं करती सर, हमारा तो बड़ा बिजली घर है, हमारे यहाँ से अलग अलग ऑर्डर होते हैं, अगर यहाँ पर ही ये जो टुकड़ा भरा है पॉलिथिन वगैरह का यही आपत्ति पैदा करेगा तो जो आपूर्ति है बाधित करनी चाहिए, मान लीजिए 2 घंटे में हमारा काम होता है 2 घंटे बाधित करेंगे, अगर ये कबाड़ हो ही ना तो कॉलेज में फिर जाए ही ना, कंडक्टर पर ना निकले या तारों में ना छिड़े तो वो फॉल्ट जो होगा वो आएगा ही, जब नहीं आएगा तो आपको भी बाधित करेंगे। नगर पालिका के कर्मचारी का यहाँ पर नहीं आया कोई नहीं आया जी साहब। बिजली घर पर पानी का जल भराव है, तेज बारिश आज देखने को नगर गुलावटी में मिली, कैसे ये जल भराव हुआ? ये जलभराव इतना बारिश का नहीं है, हमारे यहाँ बिजली घर के गेट के आगे मेन नाला है जो गुलावटी का सारा गंदा जल भर करके बाहर सीधे निकल जाता है, तो वो नाला आगे से जाम हो गया है, गंदा नाला है जिसमें पूरे गुलावटी का पानी भर के जाता है। वो जाम होने के कारण अभी 4-6 दिन पहले भी जो हल्की बारिश हुई थी उसमें भी लगभग आधा घंटा बारिश हुई थी, उसमें भी जो काफ़ी हमारे SDO ऑफिस के बाहर पानी भर गया था, गंदा पानी कीचड़ के साथ। और आज चूँकि सुबह से थोड़ा अच्छी बारिश हुई तो जो बारिश का जल भरा हुआ और गुलावटी का जो पानी नाले में भरकर आया वो नाला बिल्कुल आगे से जाम पड़ा है,
नाला जाम होने के कारण एसडीओ ऑफिस के पास ऊपर से खुला हुआ है, वहाँ से नाले के साथ साथ सारी गंदगी भरकर पूरा कूड़ा करकट यहाँ से पूरा रास्ते में भर के ये सारा जल भराव हो गया है। नगर पालिका के अधिकारियों को इस संबंध में सूचना उसी दिन दे दी गई थी 5-6 दिन पहले। किसान यूनियन के भी हमारे एक दो भाई यहाँ पर आए थे जिनको अंदर आने में समस्या हुई गंदगी देकर, उन्होंने भी नगर पालिका में शिकायत की। उस दिन जो है बुलडोजर या कूड़ा निकालने की मशीन है वो आई थी, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो सका। कार्य पूरा ना होने के कारण आज पुनः वही परेशानी का सामना उठाना पड़ा है और ज़बरदस्त तरीके से गंदा जल भराव यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि इससे जल भराव होने से जो है किसी भी प्रकार की बीमारी या महामारी भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये जो सड़ा जल है, सड़ा हुआ पानी है और इसके अंदर कीटाणु भी हैं और अनेकों प्रकार के छोटे मोटे जीव जंतु भी होते हैं जो अब ये धूप हो रही है इसमें मर भी जाएंगे और यहाँ पर जो है बीमारी पैदा कर सकते हैं। तमाम कूड़ा आप देख रहे होंगे यहाँ बाहर गेट पर भी जमा है और लगातार गंदगी यहाँ बिजली घर के ऊपर आकर भी भर गई। आप देख रहे हैं पीछे भी ये जल भराव जो है, नाले का सारा पानी इधर वापस रिवर्स होने के कारण यहाँ जल भराव हो गया। इतनी बार पालिका में शिकायत की गई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया? मैंने आपको बताया उस दिन थोड़ी देर के लिए बुलडोजर आया था, उसने कोशिश की लेकिन काम नहीं हो सका और वो लोग बीच में छोड़कर चले गए थोड़ी बहुत गंदगी निकाल कर, और यदि ये कार्य पूरा हो जाता तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। सफाई कर्मचारियों के द्वारा मात्र खाना पूर्ति की गई ऐसा कहना चाहते हैं? वो नाला लग रहा है जैसे आगे पूरी तरह से जाम हो गया है, उसमें लग रहा है कई घंटों की मशक्कत करके उस कूड़े को निकलवाया जाएगा और लगातार बारिश में नॉर्मली तो हर बार वहाँ पर जल भराव हो ही जाता था एसडीओ ऑफिस में, लेकिन ये पहली बार है कि इतना जाम नाले के अंदर लग गया है कि वहाँ से पानी आगे ना जा करके यहाँ पर रिवर्स हो गया, पूरे बिजली घर में पानी। फिर मैडम से भी जो आगे इस मार्केट से आगे और जो जाले का आगे एंड सिरा है उस सिरे तक बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ कोई घुड़िया हो चाहे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का कोई मामला बीच का खतरा हो, सबको अच्छी तरह साफ करा के तभी इस नाले की और जल भराव की समस्या को पूरी तरह से हम हल कर सकते हैं। बुलंदशहर की गुलावटी नगर पालिका आए दिन अपनी लापरवाही से भरी कार्यशैली का परिचय देती रही है, क्योंकि कुछ रोज पहले नगर में पड़े जर्जर वाटर कूलर की खबर को जनहित में प्रमुखता से चलाकर लोकप्रिय चैनल न्यूज वॉल इंडिया द्वारा उजागर किया गया था और अब नगर में हुई मूसलाधार बारिश के चलते नाले द्वारा विद्युत विभाग में फैली गंदगी ने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्वच्छ भारत अभियान मिशन को पूरी तरह से मुंह चढ़ा दिया है। अब न्यूज वर्ल्ड इंडिया का यही सवाल है कि क्या नगर में तेज बारिश से होने वाले जलभराव को रोकने और नालों के चोक होने के चलते विद्युत विभाग में फिर से कूड़ा करकट और गंदगी का जमावड़ा ना हो, उसके लिए पालिका के भाजपा शासित चेयरमैन शैलेश तिवतिया सहित ईओ निहारिका चौहान, नगर के नाकामयाब और बेहद लापरवाह सफाई इंचार्ज ओमवीर सिंह सहित अपने कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई का हंटर चलाते हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। किंतु नगर की जनता को अवगत करा दें कि जब तक न्यूज वर्ल्ड इंडिया द्वारा चलाई जाने वाली हर खबर का पालिका संज्ञान लेकर उस समस्या का जड़ से खात्मा नहीं कर देती, तब तक हम लगातार जनहित में उस खबर को यूं ही चलाते रहेंगे।